बिहार के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। जी हाँ, लगातार जिस पर सवाल उठ रहे थे कि बिहार में रोजगार कहाँ है, विपक्ष पूछ रहा था, जिसका जवाब विपक्ष को अब मिल गया है। जी हाँ, बरौनी में लगे जो है फैक्ट्री अब सवाल का जवाब दे चुका है। बात करें तो बिहार के जो है उत्पाद में एक नया अध्याय जुड़ा है। आपको बता दें कि पेप्सी बैंडलिंग प्लांट का आज से शुभ आरंभ किया गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। बरौनी के बेगूसराय में प्लांट का भव्य उद्घाटन किया गया है और जिसके साथ बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन साथ थे। तमाम आला अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर जानकारी देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है उद्योग के बारे में, जरा वो बयान सुने। लोग देखिए बहुत बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात है कि आज कितना बढ़िया बना है। अच्छा होगा कि जरा एक बात हम आपसे आग्रह करेंगे, सब जो जर्नलिस्ट है ना जी, इन जर्नलिस्ट को भी एक व्यक्ति से, एक दो लोगों से दिखवा दीजिए। जरूर दिखवाएंगे, जरूर दिखवा दीजिए कि क्या क्या चीज़ आप लोग जो जो देखना चाहेंगे। आप लोग भी जरा फोटोग्राफ लीजिए और एक एक चीज को देख लीजिएगा, बहुत अच्छा होगा और इसकी जानकारी भी और बेहतर ढंग से लोगों को मिल जाएगी। जी बिल्कुल, इसलिए आप लोग भी आए हुए हैं सब, आप लोगों को भी इसके लिए धन्यवाद है। मुख्यमंत्री जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिस उम्मीद के साथ उन्होंने उद्योग विभाग की जिम्मेवारी दी थी और बड़े विजन के साथ मुख्यमंत्री जी ने काम किया। जो चीनी मिल की जमीन थी जो खाली थी बरसों से, वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र की और ये ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट बना है। जयपुरिया साहब और डॉक्टर त्रहान साहब जो मशहूर डॉक्टर हैं, आज इस सरजमी पर आए हैं। मुख्यमंत्री जी ने उनकी प्लांट को देख कर इतनी खुशी जाहिर की है कि अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि बिहार में इतना अच्छा प्लांट लग सकता है। जयपुरिया साहब ने कमिटमेंट किया है कि वो चीनी मिल के लिए भी आगे बढ़ेंगे और यहाँ का जो इस इलाके में सबसे ज़्यादा लीची होती है तो लीची का भी प्रोसेसिंग होगा, आम को अभी ये प्रोसेसिंग करेंगे और अनानास का जो पाइनएप्पल है उसका भी प्रोसेसिंग जो किशनगंज इलाके में होता है वहाँ से ला के यहाँ पर करेंगे। यहाँ रोज़गार भी मिलेगा, यहाँ जो रोज़गार है आसपास के लोगों को, स्थानीय लोगों को मिलेगा और इनके प्लांट में बहुत से लोग बिहार के बाहर काम कर रहे हैं। उनको हमने अनुरोध किया है कि मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि अगर वो अपने राज्य में आकर, अगर वो एक्सपर्ट हैं क्योंकि इसमें कई एक्सपर्ट लगेंगे, वो भी इस प्लांट में अगर ट्रांसफ़र लेना चाहेंगे तो थोड़ी उनको प्रायोरिटी देंगे, लेकिन ज़्यादातर स्थानीय लोगों को ही रोज़गार मिलेगा। उद्योग और रोज़गार का जो वादा नीतीश कुमार जी ने चुनाव से पहले किया था उस पर बढ़ता कदम है। लोग कहते थे कि कहाँ उद्योग लग रहा है, तो हमारे अगर विपक्ष के लोग भी आएंगे देखने के लिए, हम उनका भी पास बना के अंदर उनको घुमाएंगे और जो एम्प्लॉयमेंट मिला है उसको वो देखेंगे कि कितना बढ़िया उद्योग लग रहा है। बिहार के लिए आज बड़ा दिन है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ कि अपने व्यस्तम समय में से निकाल कर ये बेगूसराय की सरजमी पर आए हैं। और तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि बिहार के लिए एक नया अध्याय है और पूरी तरीके से उद्योग लगने से लोगों को काफ़ी फायदा होगा, जिससे जो लोग पलायन कर रहे हैं, बिहार के बाहर जाते हैं रोजगार के लिए, उन्हें अब रोजगार भी मिलेगा। आगे के अपडेट्स के लिए आप बने रहें 10 दिन उसके साथ और देखते रहें 10 दिन।